आज हमारे पास आ चुकी है जावा की 42। जावा 42 ये जावा का सबसे पहला मॉडल था जो इंडियन मार्केट में जावा ने लॉन्च किया था, और ये क्लासिक लेजेंड्स का सबसे बेस्ट बाइक है। और इस हेलोजन इंडिकेटर्स, अगर इसमें जो जो मिलते हैं LED वो ज़्यादा वर्थ करते हैं, पर ये भी लुक में बहुत ही ज़्यादा सही है। अब सामने में बात की जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है सामने, और टायर सेक्शन की बात की जाए तो इसमें 19x90 और 80 के टायर सेक्शन आते हैं। हो गया, चलो सर। तो फ्रंट पे बात की जाए तो इसका जो टायर है, इसका टायर सेक्शन है 90x90 और 18 का। और बाइबी के डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS मिलते हैं। फ्रंट में भी ABS है, रियर में भी ABS है। अब इसका इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन है 294 cc का, और ये सिंगल सिलेंडर इंजन 294 cc का, और ये पावर प्रोड्यूस करता है 26.8 PS की, और 26 का ही ये न्यूटन मीटर टॉर्क देता है जो अभी तक का सबसे बेस्ट है। जैसे रॉयल इनफील्ड वगैरह में आता है उनसे ज़्यादा पावर ये ड्राइव करता है। अब टैंक पे ये मिलता है जावा की बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग। क्लासिक लेजेंड्स ने अपना जो पुराना ब्रांडिंग था वो उसको एकदम सहज के रखा है। अब सेकेंड बात की जाए तो ये बीच में आपको मिलता है 42 की ब्रांडिंग, और पीछे बात की जाए तो यहाँ पे भी आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और पीछे जो टायर मिलता है वो भी उसका टायर सेक्शन है 120। नीचे साइड में दिखा देता हूँ, 120 80x70 का टायर सेक्शन है। ये ज़्यादा ब्रॉड टायर नहीं है जैसा GSD रोडस्टर में था, पर फिर भी ये इस गाड़ी के हिसाब से बहुत सही है। और सेकेंडली बात की जाए तो इसमें भी आपको पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और इसमें भी ड्यूअल चैनल ABS है, तो पीछे साइड में भी इसमें ABS है। और टेल सेक्शन की बात की जाए तो इसमें भी आपको LED टेल लाइट मिलती है, पर इंडिकेटर हेलोजन ही मिलता है। तो अगर इसमें LED मिलता तो और भी बहुत अच्छा हो जाता। और अब सेकंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको मिलता है चेन स्प्रॉकेट, ओपन चेन्स हैं, और इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही, यानी कि बाकी एवरेज गाड़ियों से थोड़ा कम है, क्योंकि इसकी सीट हाइट भी 795 है। तो 795 के कारण इसकी सीट हाइट कम होने के कारण इसको नीचे ग्राउंड क्लियरेंस में कमी है। अब इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, और इसे सस्पेंशन प्री लोडेड सस्पेंशन है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और सामने रेडिएटर ग्रिल मिलती है, ये ऑयल कूल्ड इंजन है इसलिए इतना पावर ड्राइव करता है। अब सामने साइड में बात की जाए हैंडल्स की और टैंक की, तो इसकी टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है, और इसमें आपको माइलेज मैक्सिमम जो कंपनी क्लेम करती है वो 33 का है, पर अगर आप इसको इकोनॉमी में चलाते हैं यानी कि 40 to 60 के स्पीड में चलाते हो तो आपको मिल सकता है इतना माइलेज, और अगर आप रेस राइडिंग करते हो तो थोड़ा कम मिल जाएगा। और हैंडल्स में बात की जाए तो राइट साइड में आपको मिलता है इंजन किल स्विच, ट्रिप का बटन, और ये अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड टैकोमीटर, और फ्यूल पोजीशन। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ABS है, न्यूट्रल है, इंजन चेक लाइट है, फ्यूल इंडिकेटर, और अपर डीपर का अलग से एक इंडिकेटर है। अब इसका मैं आपको थोड़ा साउंड सुनाता हूँ, ये इसका साउंड बहुत ही सही साउंड है इसका। इसमें बहुत फॉग जम रहा है हेलमेट में, जम रहा है। हाँ, साफ हो गया।
क्या गिरा? ये लोग क्या फैंस बन के आ रहे हैं? मैं अभी हार्ले की बात कर रहा था ना, और हार्ले आ गई पीछे से। अच्छा 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 अच्छा
नहीं।